स्वागत है पेरू में। नाम तो सुना होगा, नहीं सुना चलो मैप में देखते हैं। पेरू बसा है साउथ अमेरिका के इधर, और ये है साउथ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा कंट्री आफ्टर ब्राजील एंड अर्जेंटीना। और यहाँ का भाषा है स्पैनिश। और यहाँ पे मैं घुस गया था लेतिसिया से लैंड बॉर्डर इन अमेजोन, और पहुँच गया था इक्वितोस वाले शहर पे। और इस वाले वीडियो पे हम लोग इक्वितोस से चलाएंगे फ्लाई करके टू लीमा, और आगे बढ़ेंगे इस पेरुवियन जर्नी में। स्वागत है मेरे कंट्री नंबर 53 में। तो भाई एंट्री हो गया पेरू में। पेरू में आने के लिए आप लोगों को चाहिए US वीजा या फिर शंगन वीजा, मल्टीपल एंट्री। पेरू का हिस्ट्री भी अपने इंडिया से बहुत ही गहरा और पुराना है, और यहाँ पे इतनी वंडर ऑफ द वर्ल्ड सब दिखाऊंगा आगे वाले पेरुवियन सीरीज में। सो लेट्स एक्सप्लोर पेरू विद योर एक्सप्लोरर राजा। स्वागत है इक्वितोस एयरपोर्ट में। अभी बज रहे हैं 2:45, मेरी फ्लाइट है 4:10 को, मतलब सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है मेरे फ्लाइट को। बहुत लेट पहुंचा क्योंकि इक्वितोस का जो शहर है बीच में एक एयरपोर्ट दिखाता है, तो मैं सोचा वही एयरपोर्ट होगा, 10 मिनट है, 10 मिनट पहुँच जाऊँगा, पर एक्चुअली ये दूसरा एयरपोर्ट है, शहर से थोड़ा दूर है, 1/2 घंटा लगे आने में। हम लोग जा रहे हैं पेरू के कैपिटल लीमा में। लेकिन पेरू में कोविड का बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे घुसने के लिए मेरे को अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा, तो जल्दी मुझे तीसरा वाला भी लेना पड़ेगा लग रहा है, फिर दो दिखाना पड़ा अभी यहाँ पे। और बोर्डिंग पास मेरे पास है तो मैं फटाफट निकलता हूँ। और 3:50 बज के 10 मिनट के अंदर सिक्योरिटी वीडियो करके हम लोग गेट के सामने पहुँच गए। यही होता है कभी छोटा एयरपोर्ट में आते हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। ये एयरपोर्ट मुझे नॉर्थ ईस्ट के किसी भी कोहिमा या फिर मिजोरम के एयरपोर्ट जैसा लग रहा है। अभी 1/2 घंटा वक्त है बोर्डिंग में। हम लोग फ्लाई कर रहे हैं स्काई एयरलाइन से। स्काई यहाँ का एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, और मैंने इसके लिए दिए 3,000 रुपये। पूरा पंगा हो रहा है, मेरे को फ्लाइट में बोर्ड करने नहीं दे रहा, $40 एक्स्ट्रा मांग रहा है। पूरा चुना लग जाएगा अभी जितना भी पैसा बचा है। तो मैंने मैनेज कर ही लिया, कैसे तैसे $40 कौन देने वाला था। चालीस तो सिर्फ फ्लाइट का टिकट था, और सिर्फ ब्लैक के लिए 40 दे दो, थोड़ी ऐसा होता है। फिर से लो कॉस्ट एयरलाइन, बट इस बार टेबल बड़ा मिला है, टेबल का स्टाइल अलग है, चार्जिंग पॉइंट भी मिला है, बट सीट रिक्लाइन नहीं होता है। और आप लोग मुझे बहुत कंप्लेंट कर रहे हो कि यार तू मई का वीडियो नवंबर में क्यों डाल रहा है, 5 महीने का गैप कैसे है। वेल, क्योंकि मैं मई महीने में 11 महीने कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा था, और अगर मैं डेली व्लॉग करूं और एक दिन गैप करके वीडियो अपलोड करूं तो बताओ 11 महीने का व्लॉग कितना टाइम लगेगा, हिसाब करो। एक महीने के 30 दिन ब्लॉक के लिए लग जाएंगे 2 महीना, क्योंकि एक दिन का गैप होगा, और फिर 11 महीने के लग जाएंगे 22 महीने। तो मेरे पास तो 22 महीने नहीं लगा, मेरे पास सिर्फ 5 महीने का गैप है। तो यार बाकी ब्लॉगर्स के साथ कंपेयर मेरे करो, वो लोग 2 महीने के लिए ट्रिप के लिए जाते हैं फिर वापस जाते हैं इंडिया में, मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा हूँ तभी ऐसा हो रहा है। अगर डेली ट्रैवल नहीं करूँगा तो आप लोगों को क्या शो करूँगा। भाई ठंड है, बहुत ठंड। स्वागत है लीमा में, एक और कैपिटल, एक और देश के कैपिटल पेरू में, पेरू का कैपिटल लीमा में। और अभी हम लोग जाएंगे अपने कॉस्टल में घुस के घर। ठंड है, 16-15 डिग्री टेम्परेचर है, बट हम लोग टैक्सी नहीं लेने वाले, मैं कोशिश करूँगा अपना कोई बस से जाने का। लीमा सुना है कि बहुत ही महंगा कैपिटल है, कोलंबिया में तो बहुत आसानी से काम बन गया था, बट अभी शायद यहाँ पे खर्चे हो जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। एयरपोर्ट दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर का दूर है लीमा का। ये आई थिंक डोमेस्टिक भाग है, छोटा है, इंटरनेशनल भाग थोड़ा दूर होगा कहीं पे। टाइम हो रहा है शाम के 6। ये तो नहीं कहूँगा कि दुनिया के हर एयरपोर्ट पे, बट ज़्यादातर एयरपोर्ट पे 9 out of 10 केसेस में कोई ना कोई बस तो मिल ही जाएगी आपको शहर जाने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो लोग स्टाफ काम करते हैं उनको ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलता है, वो लोग टैक्सी हर वक्त अफोर्ड नहीं कर पाएंगे शहर जाने के लिए, तो बसेस तो रहेगी फॉर श्योर।
línea directo. Eso voy a pasar. बस मिल गया है अपने गूगल मैप्स पे जो ट्रांसपोर्ट ऑप्शन होता है उस पर ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको मूविट ऐप यूज़ करना पड़ेगा मैंने आप लोगों को मूविट ऐप के बारे में पहले ही बताया आप वो यूज़ करो उसमें जब अपना डालोगे लोकेशन तो उसमें आपको एग्जैक्टली बस नंबर बता देगा क्या लेना चाहिए मूविट ऐप में आपको आपका सीरीज चेंज करना पड़ता है मैनुअली और फिर आपको मिल जाएगा अभी चलो एक घंटा लगेगा बोल रहे हैं वॉइस को मैसेज डालता हूँ उतार दिया उसी प्लाजा पे जहाँ पे उतरना था लीमा में एक चीज़ अच्छी है जो एक टूरिस्ट और ट्रैवलर्स को बहुत आसानी होती है कि आप कैश से पे कर सकते हो बसेस में तो मैंने कैश में पे कर दिया 500 यानी कि 100 रुपये अब बस घर चलना है ठंड है बहुत कपड़े के लेयर्स और बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पे और ये है मेरा रूम मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ ये अपने होस्ट का डॉगी और ठंड है यार बहुत ठंड है ठंडे लिमा में लग रहा है कैपिटल पे नहीं किसी हिल स्टेशन पे आ गए अच्छा फिर एक्चुअली ये वाला ठंडा बोगोता से ज़्यादा है क्यों बोगोता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपना क्या चल रहा है समर और हम लोग अभी है सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है विंटर आज है मई का 25 तारीख और विंटर चल रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर कम आखिरी कुछ पल है उसके बाद बोला कि अभी कम विंटर है अगर तुम तो आप लोगों को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं जैसे इंडिया हो गया यूरोप हो गया या फिर नॉर्थ अमेरिका हो गया ये सब आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पृथ्वी को दो भाग में भाग करें तो ये बीच वाला लाइन होता है इक्वेटर तो इक्वेटर के नीचे का वेदर एकदम उल्टा होता है हमारे यहाँ पे जैसे जून जुलाई में गर्मी होती है यहाँ पे जून जुलाई में विंटर होता है और यहाँ पे दिसंबर में गर्मी होता है दिसंबर जनवरी फरवरी गर्मी होता है तो हम लोग थे नीचे हेमिस्फीयर में पेरू में तभी यहाँ पे विंटर चल रहा था मई में भूख लग रही थी तो शवरमा दिखा और ठंड में शवरमा का तो अलग ही मज़ा है शवरमा ले लिया 100 का मतलब 210 रुपये 121 रुपये हो गया अभी 20 रुपये था कुछ दिन पहले दो हज़ार 22 का मिड चल रहा है मई महीना ख़त्म जून महीना शुरू हो रहा है 6 महीने गुजर चुके हैं बट पूरे 2020 में मैंने आज तक एक भी कंट्री नहीं देखा और शहर नहीं देखा जहाँ पे इतना मास्क यूज़ किया जा रहा है हर कोई मास्क यूज़ कर रहा है हर कोई बस में या फिर ट्रेन में या फिर मतलब शॉप में तो छोड़ ही दो रस्ते में ऑलमोस्ट 99% लोग मास्क पहने घूम रहे हैं मैं तो अजीब हूँ स्वागत है लीमा में लीमा के मीरा फोलेस एरिया में मैं चल रहा हूँ दोपहर के 4:30 बज रहे हैं बहुत ही ठंड वेदर है लग रहा है कि यूरोपियन कोई सिटी है हर कोई मास्क पहने हुए 2022 का मेड में पता नहीं ये वीडियो कब आ रहा है बट 2022 में ऑलमोस्ट सारी जगह पे मास्क उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे है और मुझे अजीब लग रहा है ऐसे बिना मास्क के चलते हुए बहुत ही ओल्ड के लिए माना जाता है वहाँ का कैपिटल इतना मॉडर्न वाओ अभी मैं हाथ में चिप्स खाते हुए चल रहा था यहाँ पे और एक आदमी दिखा मेरे को आदमी मेरे को घूर रहा था मैं भी घूर रहा था फिर बोलता है कि 1 मिनट तो मैं रुका फिर बोलता है आप फेमस यूट्यूबर हो ना इंडिया से मैंने आपका वीडियो देखा है मेरा हाल ही में एक वीडियो बेलीज वाला अच्छा वायरल गया है 4 लाख के ऊपर व्यू है मैं इतना खुश हो गया एक इंडियन मिला यहाँ पे जिसने मेरा वीडियो देखा है बेलीज वाला और बोला आप यूट्यूबर हो आसपास के लोगों ने सुना है कि आप यूट्यूबर हो आपका वीडियो मैंने देखा है तो सिर्फ 85,000 सब्सक्राइबर्स है आज के दिन में बट खुशी 1 मिलियन वाली हो रही है कि लीवा में लोग मेरे को रस्ते में पहचान रहे हैं कि आप यूट्यूबर हो मजा आ गया वो भाई साहब है उधर पैसे दे रहे मजा आ गया तो भाई साहब कैमरे के सामने नहीं आना चाहते ये भाई साहब की सालिया है एक साली दूसरी साली और बेटी है और गौतीमाला में मिले थे आईटी अब मैंने बताया कि लाठी अमेरिका में जो भी इंडियन काम करने आते हैं ज़्यादातर आईटी वाले होते हैं आईटी के काम से आए थे और पेरुवियन बीवी और पेरुवियन बेटी
अभी इंडिया में रहती है क्या आप लोग? घूमने आए हो अभी? हाँ, इनको लेने आए हो? अच्छा, ये अकेले आई थी क्या वापस? चार महीने पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, परिवार से मिलने अभी वापस ले गया होगा तो सही है। और इंडिया में रहने का इनका इंडियन का पासपोर्ट बन गया? एंट्री वीज़ा है बट कम टाइम के लिए है ना। अभी मैं उसी अप्लाई करूँगा, 2 साल हो गए। उसी है, 2 साल में उसी है मिल जाता है बीवी को। तो आप लोग अगर शादी कर रहे हो तो 2 साल का झमेला है और 2 साल बाद उसी है मिल जाएगा। 15 साल के लिए? 15 साल के लिए उसी है, उसके बाद पासपोर्ट। बहुत अच्छा लगा ये देख के, मतलब इंटरकल्चरल फैमिली विद बच्चे देखने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत उनको स्पेनिश भी आती है। इंडिया में रहते पेरुविन भाभी। बाकी हम लोग आ गए हैं भाई, लीमा जो है पैसिफिक कोस्ट के ऊपर है और वो है अपना पैसिफिक सी। अगर देखा जाए तो लास्ट मैंने पैसिफिक सी देखा था फरवरी में पनामा में, और पनामा के बाद मार्च अप्रैल में 3 महीने बाद फिर से आ गए पैसिफिक साइड में। कोलंबिया में रहता है बट हम लोग नहीं जाते, वो ज़्यादा टूरिस्टिक नहीं है। और लीमा ठंडा है, लीमा बहुत ऊँचा में थोड़ा पहाड़ी है, तो यहाँ पे इस साइड आपको बीच नहीं मिलेगा, ये क्लिफ साइड है। क्लिफ साइड में आपका ये लीमा का वाव अच्छा खासा ऊंचा है, समुद्र बहुत ही नीचे है। देखो हम लोग इतना ऊंचा पहाड़ में है और नीचे उधर समुद्र, ठंड। बहुत ठंड, और ऊपर अगर उस साइड देखोगे तो उधर आपको एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा, वो एक टाइम का प्रिजन आइलैंड हुआ करता था, लो कैदियों को उधर रखा जाता था। अभी कौन रखता था वो मेरे को हिस्ट्री इतना डिटेल में नहीं पता, पर उधर एक प्रिजन आइलैंड है। और ये यहाँ का खूबसूरत व्यू, जितना दूर देखो पैसिफिक समुद्र, ज़्यादा दूर जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठंड है यार, बहुत ठंड है, बट ये है पेरू का कैपिटल लीमा। जनरल पैसिफिक साइड में सनसेट अच्छा दिखता है बट अभी देखो इतना फॉगी है, इतना क्लाउडी है, सनसेट तो दूर की बात, दिन में भी सन कम दिख रहा था। बच्चे खेल रहे पता नहीं कैसे, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मैं तो हाथ पॉकेट में रख रहा हूँ, इतना ठंड है। और कोहरा ही कोहरा चारी, और कोहरा ही कोहरा, मैं एक्सप्लोरर हूँ जो यहाँ पे आया। खुला पार्क है इधर से थोड़ा मैं नीचे खुला एरिया में जाता, पर हर कोई हर जगह पे वैक्सीन दिखाओ वैक्सीन दिखाओ वैक्सीन दिखाओ, हो या ना हो कि मतलब नहीं मरता। मैं जब भी विदेशी कोई भी पेज खोल के दिखा रहा हूँ, अपने मोदी जी का फोटो दिखाया मान गया, अपना मोदी जी वाला जो वैक्सीन है। चलो यार निकलते हैं यहाँ से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है लालूचा नाम का, और यहाँ पे मैंने ले लिया है, क्या लिया है, क्या जो लिया मैंने इसको, इसका नाम क्या है, यहाँ का फेमस खाना है। बाकी तो पेरू में फेमस खाना मछली का होता है, बहुत सारे मछली का आइटम है, मैं मछली खाता नहीं। तो पोयो का मतलब चिकन, अपने पास बस चिकन का कुछ मिला है छोटा बहुत, खाते हैं। हम लोग भाग रहे हैं। यस, मैं इनसे मिला था बोगोता में, जब मैं कुबा से वापस आया था तब मैंने ब्लॉग नहीं किया था। कंट्रा प्रेशर नो इंपॉर्टेंट पर दिन और इट इंपॉर्टेंट इज नो सो टू नेसेसरी फॉर एयर।
हम लोग भाग रहे हैं क्योंकि इसने हम लोग का नाम एक अच्छे पार्टी के लिस्ट में डाल दिया है। अभी बज रहे पौने नौ, पर देखते हैं कि हम लोग पहुंच पाते कि नहीं। ये ऑर्डर ये यहाँ से है क्योंकि यहाँ पे सारे पार्टीज बहुत महंगे होते हैं, तो इन्होंने बोला कि तुमको अच्छा पार्टी घुमाते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट यूज करते हैं। और पार्टी बहुत जल्दी खत्म हो गया क्योंकि पार्टी में लोग ही नहीं था। अरे यार सबको ये मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने बोला हंसी तो फंसी, पर ये फंसी की नहीं। मीरा फ्लोरेस, व्हाट इज मीरा फ्लोरेस? यू आर लुकिंग एट फ्लावर्स। Where is flower? This flower. I don't know. You have to look at them. Here's the flower. Thank you. Yes, I am. What and they are? It's because with the humidity makes you feel cold. Yeah, and what cotton lag raha hai? Woolens pehna padega. I cannot use this. It's music.